इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गोलियों की गूंज के बीच हिंदुस्तानियों का एयरलिफ्ट, काबुल में भारत का ऑपरेशन जिंदगी। ऑपरेशन एयरलिफ्ट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर अपडेट। काबुल से 148 भारतीयों को लेकर भारत लौटे ग्लोब मास्टर ने जामनगर से उड़ान भर ली है और C-17 ग्लोब मास्टर से आए 148 भारतीयों में अफगानिस्तान में भारत के राजदूत समेत दूतावास के कई अधिकारी, कर्मचारी, डिफेंस स्टाफ, पत्रकार और अफगानिस्तानी नागरिक भी मौजूद हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है कि ग्लोब मास्टर ने अब जामनगर से उड़ान भर ली है हिंडन एयरबेस के लिए। अब थोड़ी ही देर बाद हिंडन एयरबेस पर पहुंचेगा ग्लोब मास्टर, जिसमें 148 भारतीय काबुल से अब भारत पहुंचे हैं। ग्लोब मास्टर ने जामनगर से इस वक्त उड़ान भर ली है और जैसा कि आपको बताया, भारत के राजदूत समेत दूतावास के कई अधिकारी, कई ऑफिसर्स, कई स्टाफ, कर्मचारी, डिफेंस स्टाफ, रिपोर्टर्स और अफगानिस्तानी नागरिक भी इसमें मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर पहले जब ये जामनगर पहुंचे थे उसकी तस्वीर आपके सामने है और जामनगर पहुंचते ही कैसे सभी भावुक हो गए थे। यहां पर इन सभी से बातचीत करने की कोशिश की और सभी का ये कहना था कि सुरक्षित वतन वापसी से वो बहुत ही अब फिलहाल सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन अब जामनगर से हिंडन एयरबेस के लिए ग्लोब मास्टर C-17 ग्लोब मास्टर उड़ान भर चुका है और थोड़ी ही देर बाद ये सभी अब हिंडन एयरबेस पर भी मौजूद होंगे। तो C-17 ग्लोब मास्टर में इस वक्त डिफेंस स्टाफ भी मौजूद है, रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं, भारतीय राजदूत के अधिकारी भी मौजूद हैं और इन सभी ने अब जामनगर से उड़ान भर ली है और थोड़ी ही देर में ये सब हिंडन एयरबेस पर पहुंच जाएंगे। भारत का मिशन एयरलिफ्ट, जिसके तहत सभी को सुरक्षित वापस लाया जा रहा है और अब से थोड़ी देर पहले ये सभी जामनगर पहुंचे थे जहां इन्हें खाना भी खिलाया गया और यहां पर सुरक्षित वापस आने के बाद इन सभी से बातचीत भी की गई। 148 भारतीय साथी स्टाफ भी यहां पर मौजूद हैं जिनको लेकर अब C-17 ग्लोब मास्टर हिंडन एयरबेस के लिए उड़ान भर चुका है। तो काबुल से भारत की इनकी सुरक्षित वापसी को लेकर इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है और जामनगर में जैसे ही C-17 ग्लोब मास्टर पहुंचा था वो तस्वीर हमने आपको दिखाई, इनसे की गई बातचीत हमने आपको सुनाई, वहां के हालात के बारे में पल पल की जानकारी तो ली जा रही है लेकिन उन तमाम लोगों का ये रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है जो सुरक्षित वतन वापस आ गए हैं। C-17 ग्लोब मास्टर से जब ये जामनगर पहुंचे थे ये उस वक्त की तस्वीर आपके सामने, उस एयरबेस की तस्वीर आपके सामने है जब सभी को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रोका गया और यहाँ पर रोकने के बाद इन्हें खिलाया भी किया, इनकी इंक्वायरी की गई, इनके रिकॉर्ड मेंटेन किए गए, उन तमाम लोगों के डिटेल्स इकट्ठा की गई जो सभी C-17 ग्लोब मास्टर से वापस आए हैं। 148 भारतीयों को लेकर हिंडन अब एयरबेस पर पहुंचेगा C-17 ग्लोब मास्टर। मनीष प्रसाद हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, वहां लोगों का इंतजार अब कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा क्योंकि बड़ी खबर यही है कि अब जामनगर से हिंडन एयरबेस के लिए भी C-17 रवाना हो चुका है। सुरभि, जिसका सभी को इंतजार था वही वक्त आ गया है टेक ऑफ करने के बाद, वो करीबन डेढ़ घंटे का समय होगा, यानी इस समय 3:30 हो रहा है और करीबन डेढ़ घंटे के बाद यहाँ पर हिंडन एयरबेस पर C-17 ग्लोब मास्टर स्काईलॉर्ड स्क्वाड्रन का है वो यहाँ पर 148 भारतीयों को लेकर, जिसमें डिप्लोमेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, साथ में बिजनेसमैन और भारतीय मूल के वो लोग जो वहाँ पर थे उन सभी को लेकर यहाँ पर पहुँचेगा। और हिंडन एयरबेस पर इसीलिए ITBP ने अपना जो सीनियर ऑफिशियल साथ में उनकी गाड़ियाँ वो भेजी है ताकि जवानों के सामान और जवानों को लेकर वो यहाँ से जा सके। डीजी ITBP उनसे मुलाकात करेंगे, उसके अलावा MEA का रैप हमें बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इस ऑपरेशन की क्योंकि चुनौतीपूर्ण हालात में उन सभी को लेकर जामनगर पहुँचना और फिर जामनगर से यहाँ हिंडन आना ये अपने आप में एक बड़ा ऑपरेशन था जिसे 48 घंटे के अंदर वायुसेना और साथ में इंडियन एम्बेसी और MEA ने अंजाम दिया और इसकी पूरी निगरानी प्रधानमंत्री कार्यालय से की जा रही थी ताकि कहीं से भी कोई किसी को खतरा ना हो और तालिबान जिस तरीके से अफगानिस्तान में है उसको देखते हुए पूरे सिक्योर्ड प्लान के साथ ये एग्जिट रूट तैयार हो सके। सुरभि, हालांकि मनीष आगे की प्रक्रिया क्या होगी क्योंकि इस बारे में भी जानकारी आ रही थी कि तमाम ऑफिशियल्स की वो सारी डिटेल्स को भी मॉनिटर किया जाएगा क्योंकि अचानक इमरजेंसी जिस तरीके से जिस हालात में वतन वापसी हुई है उसके बाद अभी तक 148 लोग ही वापस आ पाए हैं लेकिन और अभी कितने हैं जो फंसे हुए हैं?
सुरभि, जो हमें जानकारी मिली, मैंने एम्बेसडर रुपेंद्र टंडन से भी बात की थी तो उन्होंने कहा था हमारे लिए प्रायोरिटी लिस्ट बिल्कुल तैयार है और सभी भारतीयों को वापस लाया जाएगा। उन्होंने सुषमा स्वराज के एक स्टेटमेंट को कोट किया था कि अगर मार्स पे भी कोई भारतीय है और वो अटका हुआ है तो उसको लेकर आएंगे, और ठीक उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल साफ तौर पर इनको कहा था कि सभी लोगों को, भारतीयों को वापस लेके आए, साथ में अफगान नेशनल जो इस समय क्राइसिस में है उनको लेके आए। तो इसीलिए इस समय जो सिख अफगानी है करीबन 259 की संख्या में, उसके अलावा जो अफगान हिंदू हैं वो 50 की संख्या में है, उसके अलावा करीबन 400 वो लोग हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग जगहों पर काम कर रहे थे, उसके अलावा कुल मिलाकर ये संख्या 1000 के लगभग की है जिनको अलग अलग फेजेस में लेके आया जाएगा। और उसके लिए C-17 ग्लोब मास्टर जो कि स्काईलॉर्ड स्क्वाड्रन का है उसके जरिए लाया जाएगा, उसके अलावा जो भारत एयर इंडिया की फ्लाइट्स हैं। लेकिन पहली राहत की खबर यह है कि जो लोग, जिनसे थोड़ी देर पहले आपने यहाँ हिंडन एयरबेस पर भी बात की, उनका इंतजार अब से थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। क्योंकि नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।